है कि हम दूसरों के कल्चर के, दूसरों की रवायात पे चल पड़े और अपनी रवायात को, अपनी मीठी जुबान को, अपनी कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी सकाफत को हमने भुला दिया है। मुझे कभी कभी इस बात की फिक्र होती है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि नई नस्ल जो है उसको अंग्रेजी, उर्दू में माँ बाप बात करते, पंजाबी जबान में अब कम बात करते हैं, तो मुझे डर है कि कहीं ये एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ना हो जाए, कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए जबान। तो मैं ये सबको आज कहना चाहूँगी, माँ बाप को भी, स्टूडेंट्स को भी, जो तालिबात हैं, तलबा हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, और मेरा तो दिल ये भी करता है कि इसको एज ए सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि बच्चे इसको पढ़ें और बोलें। पंजाब का कल्चर इतना गहरा है, इतना वसी है, पंजाब की जो तहजीब है इतनी वसी है। मुझे तो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थोरोब्रेड पंजाबी भी हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अजमा आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जिसको खालिस पंजाबी कहते हैं उसको आपने क्या कहा था, कोई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन मेरे लिए यूज किया था आपने कि मैं बड़ी पक्की पंजाबी भी हूँ और ठेठ पंजाबी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ, अंदरों बारों। उसकी वजह यह है कि मेरी सकाफत है, मेरा कल्चर है, मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो इस कदर तारीखी हैं, इस कदर ज़बरदस्त हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो ख़त्म ना हो। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज्जत, तकरीम, अदब, आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छांव बन जाना, माओं की इज्जत करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज्जत करना, ये हमारे कल्चर की, हमारी ये हमारी रवायात हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलौज का, माओ बहनों की इज्जत ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हो, ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है, एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। और एक रवादारी का जो कल्चर हुआ करता था कभी कि दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की माँ को हम इज्जत देते थे, वो कहते थे ना माएँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं, तो हम इन रवायात को भुलाते जा रहे हैं। मेरे लिए बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, मेरे लिए ये बहुत नमाए फिक्री और आप सबके लिए भी होना चाहिए। तो ये जो हमारी खूबसूरत वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी खूबसूरत ईथॉस है, रवायात हैं, कल्चर है, अच्छा किया आजमा ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ कि उन्होंने आज